त्याच्यात पुढच्या आठवड्यात बोलू, कारण आज मला वाटतं ह्याच्यापेक्षा महत्त्वाचा विषय नाही आहे. मुंबईत लाखो जनता जी मेहनत करते, जे मजदूर असतील, जे अनेक वेळा काम करत असतात, विकसित भारत हे जे काही पोर्ट्रेयल चाललेलं आहे त्या विकासामध्ये ह्यांचा सगळ्यात मोठा हात आहे. ही लोक दिवस रात्र न बघता काम करत असतात, मेहनत करत असतात. आणि तुमचं स्वप्न जर असेल की जिंकून आल्यानंतर, मुंबई जिंकल्यानंतर, देश जिंकल्यानंतर आम्ही या सगळ्या झोपडपट्टीवासियांना इथून काढू आणि मिठागरांमध्ये सोडून देऊ, कॅम्प्स बनवू त्यांचे, हे ही जी काही हुकुमशाही ती आम्ही मुंबईत चालू देणार नाही, महाराष्ट्रात चालू देणार नाही. पीयूष गोयल जी ने ये तय किया है कि मुंबई उत्तर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं. जब उन्होंने तय किया तो आपको पता ही होगा कि पिछले हफ्ते में एक कॉलेज की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसी के बाद आज एक इंटरव्यू में छपा गया जो उनके स्टेटमेंट्स है. उन्होंने कहा है कि जो मुंबई में सारे जो झोपड़पट्टीवासी है उनको वहां से निकाल के, अपने घरों से निकाल के, बेघर करके सॉल्ट पैन लैंड में लेके जाके उनको वहां कुछ घर या कैंप बना के देंगे. मुंबई को हम स्लम फ्री बनाएंगे. ये जो स्लम फ्री का सपना है मुंबई में काफी सालों से अगर आप देखें तो चलता आया है, क्योंकि SRA जो योजना है कई जगह उसकी सक्सेस है, कई जगह अभी भी प्रयास जारी है. जब हमारी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हमारे पास जब सरकार की जो सारी यंत्रणा होती है वो हमारे हाथों में थी. आपने देखा होगा कि वर्ली में BDD चौल हो, जो वहां 10,000 लोग हमारे वर्ली में है, 2,500 लोग नाम जोशी मार्ग में है, 2,500 लोग वडाला में है, सभी को घर मिलने वाले हैं. और बिल्डिंग्स तो अभी 40 फ्लोर्स तक पहुंच चुकी है, यानी विकास हो सकता है. लेकिन विकास के दौरान किसी को बेघर करना, इसे हमारा विरोध है. और खास करके जो गरीब जनता है उसकी आवाज न सुनना, ये भी काफी डरावनी बात है. ये तो हुकुमशाही है. बिल्कुल, यही मंत्री है जिन्होंने कोविड के दौरान, आपको याद होगा हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हमने जनता कर्फ्यू के दिन मांगा था कि आप ट्रेन खोल दो, यहाँ केसेस इतने नहीं है, जो मजदूर है उनको गांव जाने हैं. एक बात होती है कि हमें घर जाके सेफ लगता है, सुरक्षित लगता है, तो सभी को घर जाना था. लेकिन तभी इनकार किया. और 1 मई को जब ट्रेन खुली तब तक काफी सारे मजदूर चल के जा रहे थे. ऐसी ही बात इनके मन में अभी है, गरीब विरोधी बात है. जो हमारी स्लम्स है उसको इन सीटू रीडेवलपमेंट, यानी जहां है वहां घर देने के बदले, वहां घर देने के सिवा इनको घर देना है, उस सॉल्ट पैन में देना है. यानी सॉल्ट पैन भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और मुंबई में जो काम करते हैं, जो हर दिन मेहनत करते हैं, उनको भी बेघर कर देंगे. ये कैसी नीति है? चुनाव में ये मुद्दा बनेगी कि लाखों लोग स्लम्स में रहते हैं जो अगर बिल्कुल, और देश भर से यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं. काफी सारे अगर आप देखें तो ये लोग जो होते हैं माइग्रेंट्स भी होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं, लेकिन ये मेहनत करते हैं. कोई अपना घर, अपना गांव खुशी से नहीं छोड़ता. आज अगर आप देखें तो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. परसों ही एक रिपोर्ट आया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पे है. और ऐसे वक्त पे इनको मुंबई में बेघर करना, इनके सपनों को छीनना, ये कोई अच्छी बात नहीं है. सर, आपको क्या लगता है, क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है बीजेपी की इसके पीछे, जिस तरह से स्टेटमेंट दिया गया है पीयूष गोयल द्वारा? मुझे लगता है ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इनकी दिल की बात लोगों के सामने आई है. सूट बूट की सरकार है, पहले कहते थे हम गरीबों की सरकार है, लेकिन सूट बूट की सरकार है ये, अभी तो लोगों के सामने आया है. शायद ये सारे जो लोग हैं जो हमारे स्लम्स में रहते हैं, उन्होंने बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीदे, इसलिए इनको बेघर कर रहे हैं. धारावी के मुद्दे पे आपने कहा था कि वहां की जमीन फिल्डरों को बेचना चाहते हैं. बिल्कुल, धारावी की भी यही बात है कि 17 साल उन्होंने सॉल्ट पैंस की डेवलपमेंट के लिए दी है, ट्रांजिट के लिए. यानी सॉल्ट पैंस जो हमारे अभी तक नो डेवलपमेंट जोन थे, उसे भी छीन लो और मुंबई की जो रियल एस्टेट है उसे भी छीन लो, फिर अपने दोस्तों के हाथों में दे दो. मुझे लगता है कि ये लोगों ने भी जानना जरूरी है कि गोयल साहब माफी मांगे, भाजपा ये जो स्टेटमेंट है वो पीछे ले, खारिज कर दे. ये सारी बातें हो सकती है, लेकिन उनके मन में यही है, यही